Hello and good morning everyone. My name is Yugaliji Vaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 15 में, जहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहे आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड इट। आई होप आप सभी ने इसे पढ़ लिया होगा। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लेन मिलिंग कटर के बारे में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग के बारे में। और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स जो कि अचीव हो सकते हैं। अप मिलिंग प्रोसेस, तो अप मिलिंग प्रोसेस यानी क्या होता है? ये ही आपकी अप मिलिंग की डायग्राम। तो चलिए डायग्राम से हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, ये रहा आपका वर्क पीस। ये क्या है? आपका वर्क पीस है जिसको हम लोग एक टेबल के ऊपर रखते हैं, एक टेबल के ऊपर रखेंगे। ठीक है, ये रहा आपका कटर। ओके, अब क्या हो रहा है? हम लोग जो वर्क पीस है आपका, वर्कपीस को हम लोग कुछ इस डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में हम लोग उसको भेज रहे हैं। ठीक है, और ये रहा आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कटर। मतलब कटर जो है वो ऐसा घूम रहा है, कटर जो है वो आपका कैसा क्लॉकवाइज घूम रहा है, और आपका टेबल का फ्रिज जो है वो अलग साइड में जा रहा है। मतलब दोनों की भी डायरेक्शन क्या हो रही है? यहां पर अपोजिट डायरेक्शन हो रही है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि ये जो कटर है वो किस प्रकार से काम करेगा? कुछ इस प्रकार से काम करेगा। मतलब ये इस प्रकार से आपका कटर घूमेगा, तो कटर घूमेगा तो क्या होगा, वर्कपीस के ऊपर फिर वो कट करेगा, और धीरे धीरे क्या करेगा, उसकी चिप्स को क्या करेगा, वो बाहर निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आपका ये जो पॉइंट रहेगा, ये जो पॉइंट है ये कौन सा है? आपका स्टार्ट ऑफ द कटिंग पॉइंट। और ये जो जहां पर कटिंग बाहर हो रही है इसको क्या बोलेंगे? एंड ऑफ द कटिंग पॉइंट। समझ में आ गया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंड ऑफ द कटिंग पॉइंट। अब इसके वजह से होता क्या है? इसके वजह से क्या होता है कि देखिए कि सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, जो चिप थिकनेस है आपका, जो चिप का जो थिकनेस रहेगा, ये कैसे स्टार्ट होगा? पहले जो रहेगा वो मिनिमम पोजीशन में रहेगा, और बाद में क्या होगा, उसका जो चिप का थिकनेस जो है वो बड़ा होता जाएगा। मतलब मिनिमम से लेकर तो मैक्सिमम तक के उसका चिप थिकनेस जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों को पॉइंट ध्यान में रखना है कि चिप थिकनेस जो रहेगा अपमिलिंग प्रोसेस में मिनिमम से लेकर तो मैक्सिमम तक के जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग मान लो आपका जो वर्कपीस है और आपका जो कटर है उसको आप लोग अपोजिट डायरेक्शन में भेज रहे हो, तो उसके वजह से क्या हो रहा है? उसके वजह से क्या हो रहा है? उसको ज्यादा पावर लगेगा, पावर उसको ज्यादा लगने वाली है इस प्रकार से अगर आप कट करोगे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा अप मिलिंग प्रोसेस के बारे में। दूसरी एक और चीज ये रहेगी कि अगर आप लोग इसको टेबल के ऊपर इंस्टॉल करते हो आपके वर्कपीस को, तो अगर जब ये इस प्रकार से कटिंग करेगा तो ये भी चांसेस होते हैं कि टेबल से आपका जो वर्कपीस है, वर्कपीस क्या होगा, थोड़ा सा बाहर मतलब उखड़ने की कोशिश हो सकती है, आपका जो वर्कपीस है बाहर निकल सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ पावर ऑफ योर कटर। आपका कटर कुछ पावर लगाएगा, उसके वजह से क्या होगा, आपका जो वर्कपीस है वो बाहर निकलने की कोशिश भी कर सकता है। तो हम लोग इसको कहते हैं अपमिलिंग प्रोसेस। क्यों कह रहे हैं अपमिलिंग? क्योंकि देखो यहां पर ये जो कटर है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ये जो कटर है कैसा? अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है क्या? नहीं। ठीक है, तो ये रहा अपमिलिंग प्रोसेस। सिरेमिक्स जैसे कुछ मटेरियल होते हैं तो वहां पर हम लोग अपमिलिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, अदरवाइज हम लोग अपमिलिंग प्रोसेस को यूज करना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? तो हम लोग देखते हैं आगे डाउन मिलिंग प्रोसेस, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा आपका डायग्राम डाउन मिलिंग प्रोसेस का। ये रहा आपका वर्कपीस और ये रहा आपका कटर। ये क्या है? आपका कटर। ये क्या है? आपका वर्कपीस। अब मुझे आप लोग बताओ यहां पर क्या हो रहा है? आपका जो वर्कपीस है वो कुछ इस प्रकार से इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में, और आपका जो कटर है, कटर जो है वो भी उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। मतलब आपका कटर का डायरेक्शन और आपका वर्कपीस का डायरेक्शन क्या है, इसमें सेम है। इसके वजह से क्या हो रहा है? आपका जो कटिंग हो रहा है, आपका जो कटिंग हो रहा है तो वो कुछ इस उसी प्रकार में जा रहा है। तो उसके वजह से क्या होता है, आपका जो चीप है, आपका जो चीप है उसका थिकनेस स्टार्ट पॉइंट में क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा, और एंड पॉइंट में क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा, है ना। दूसरी बात, ये जो कटर है इसको डाउन मिलिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग? ये जो कटर है ये कैसा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। अप मिलिंग में क्या था? वो अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा था। डाउन मिलिंग में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डाउन मिलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया था कि चिप थिकनेस जो है पहले क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। दूसरे बात क्या रहेगा? वो मिनिमम रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को इसमें पावर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्या? ज्यादा पावर की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो
आप लोग वर्कपीस के ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो इस वजह से आपको ज्यादा पावर की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना। और अगर आप लोग इसको टेबल के ऊपर भी इंस्टॉल करते हो, अगर आप वर्कपीस को टेबल के ऊपर भी रखते हो, तो आपका वर्कपीस जो है बाहर निकलने की, बाहर निकलेगा इसकी, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज है, जो ज्यादातर जो मिलिंग ऑपरेशंस होते हैं उसको, उसमें हम लोग डाउन मिलिंग प्रोसेस को यूज करते हैं, ठीक है। एक बार तुरंत से पटापट से हम लोग इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या होता है डिफरेंस बिटवीन अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग प्रोसेस। तो अल्टरनेट नाम क्या होता है, तो हम लोग अप मिलिंग को कन्वेंशनल मिलिंग प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी प्रोसेस कर रहे हैं ये कन्वेंशनल मेथड है, इसमें हर, ये हर तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो है डाउन मिलिंग, उसको हम लोग कहते हैं क्लाइम मिलिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? क्लाइम मिलिंग प्रोसेस। क्यों कहते हैं हम लोग इसको क्लाइम मिलिंग प्रोसेस? क्योंकि यहाँ पर एक चढ़ाई चढ़ने के जैसा काम हो रहा है और बहुत आसान तरीका होता है, ठीक है। तो ये अल्टरनेट नाम भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, कन्वेंशनल मिलिंग प्रोसेस मतलब क्या और क्लाइम मिलिंग प्रोसेस यानी क्या, तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। कटिंग फोर्स जो है, कटिंग फोर्स के बारे में अगर आप बात करते हैं, तो अप मिलिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है, आप लोगों को ऊपर साइड में कटिंग फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो कटिंग फोर्स जो है वो ज्यादा लगेगा। लेकिन डाउन मिलिंग प्रोसेस में आपको कटिंग ऊपर के फोर्स में लगाना पड़ रहा है क्या? नहीं, नीचे के डायरेक्शन में लगाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको कटिंग फोर्स कम लगता है, ठीक है। पर्पस क्या होता है अप मिलिंग प्रोसेस का? तो पर्पस ये होता है कि अगर आपको रफ पर, रफ सरफेस बनाना है, तो आप लोग रफ, आप लोग अप मिलिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फिनिशिंग चाहिए आपके वर्कपीस में, तो आप लोग क्या करोगे? डाउन मिलिंग प्रोसेस का यूज करोगे। सरफेस फिनिशिंग के बारे में अगर आप लोग ध्यान में देखेंगे, तो अप मिलिंग प्रोसेस में सरफेस फिनिशिंग अच्छी नहीं मिलती है, लेकिन डाउन मिलिंग प्रोसेस में आपको सरफेस फिनिशिंग अच्छी मिलती है। यूजर्स देख लेते हैं इसके बारे में पटापट से, तो ये ब्रास, ब्रॉन्ज और ऐसे फेरस मटेरियल के लिए हम लोग अप मिलिंग प्रोसेस का यूज करेंगे। लेकिन अल्यूमिनियम जैसे मटेरियल, अल्यूमिनियम के कुछ अलॉज होते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? डाउन मिलिंग प्रोसेस का यूज करेंगे। वियर रेट देखते हैं, तो आपका जो पूल है ये क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा काम कर रहा है अप मिलिंग प्रोसेस में, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा कटिंग करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। इसके लिए क्या होगा? आपका जो पूल है उसका वियर जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा एज कंपेयर टू डाउन मिलिंग प्रोसेस, ठीक है। अब टूल लाइफ के बारे में देखेंगे, तो टूल लाइफ में क्या रहेगा? अगर आपको जहां ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो आपका टूल वहां जल्दी वियर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका टूल की जो लाइफ रहेगी, टूल की लाइफ होगी बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो टूल की जो लाइफ है वो क्या रहेंगी? अप मिलिंग प्रोसेस में थोड़ी सी कम रहेंगी एज कंपेयर टू डाउन मिलिंग प्रोसेस, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ प्रोसेस देखते हैं, तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस, अप मिलिंग क्या है? एक ट्रेडिशनल प्रोसेस है, और डाउन मिलिंग क्या है? सरफेस फिनिशिंग के लिए हम लोग नाउअडेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फीड, डायरेक्शन ऑफ फीड में क्या रहेगा? आप लोगों को अभी बताया कि अप मिलिंग प्रोसेस में हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को भी फीड देते हैं, ठीक है। लेकिन डाउन मिलिंग प्रोसेस में क्या होता है? कटर का डायरेक्शन और आपका फीड का डायरेक्शन दोनों भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। वाई नेम, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, वाई क्यों हम अप मिलिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर हम लोग आपकी जो चीज रहते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, ठीक है। देखो इस प्रकार से कटिंग अगर आपका होगा, तो जिस वजह से क्या होगा, आपका जो चीज है वो ऊपर साइड में जाएगा, है ना। अरे यार, अगर आपका ये कटर है, कटर अगर इस प्रकार से अगर मूव कर रहा है, ठीक है, और आपका वर्कपीस भी इसी प्रकार से, तो आपको चिप्स कैसे ऊपर की तरफ जाएंगी, आपके चिप्स कैसे ऊपर की तरफ जाएंगी। लेकिन अगर आप लोग डाउन मिलिंग प्रोसेस यूज कर रहे हो, डाउन मिलिंग प्रोसेस में अगर आपका ऐसा कटर है और इस प्रकार से आपकी चिप थिकनेस है, तो कटिंग करके आपकी चिप ऐसे क्या नीचे की तरफ में जाएंगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डाउन मिलिंग प्रोसेस कहते हैं। अमाउंट ऑफ फोर्स, तो अमाउंट ऑफ फोर्स जो है अप मिलिंग प्रोसेस में आपको बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन डाउन मिलिंग प्रोसेस में आपको कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। चिप मैनेजमेंट, तो अप मिलिंग प्रोसेस में आपको अभी बताया मैंने कि आपके जो चिप्स है वो ऊपर डायरेक्शन में जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कुछ चिप की जो मैनेजमेंट है वो क्या रहेगा, थोड़ा सा लोअर लेवल का रहेगा। लेकिन यहां पर डाउन मिलिंग प्रोसेस में चिप की मैनेजमेंट अच्छी तरीके की रहेगी। कौन से प्रकार के हम लोग मटेरियल यूज कर सकते हैं? तो हम लोग कौन से यूज कर सकते हैं? ब्रिटल मटेरियल हम लोग यूज कर सकते हैं अप मिलिंग प्रोसेस के लिए। लेकिन डाउन मिलिंग में हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग मेटल मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा हार्ड मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, सारे मटेरियल हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वेयर होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। बैकलैश एयर के बारे में देखते हैं, अप मिलिंग, इन द अप मिलिंग प्रोसेस द बैकलैश एलिमिनेटर इज नॉट रिक्वायर्ड, तो इसमें बैकलैश एयर जो होता है वो यहां पर नहीं होता है। लेकिन डाउन मिलिंग प्रोसेस में बैकलैश एयर आ सकता है, क्योंकि मशीन जो है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, पुराने होते जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के बारे में। इसका जो डिफरेंस है वो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके डायग्राम्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको जहन में डाल लीजिए, और अगर आपके एग्जाम में पूछता है इनके डिफरेंस के बारे में, तो आप एक इसमें डायग्राम भी बना सकते हो
एज अ पॉइंट, तो उसके भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। कटिंग पैरामीटर्स के बारे में देख लेते हैं। कटिंग स्पीड क्या होता है, आप लोगों को सभी को पता है कटिंग स्पीड यानी क्या होता है। स्पीड क्या होता है कि आपका जो कटर है, आपका जो कटर है वो जिस डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है, जिस डायरेक्शन में घूमेगा उसी हिसाब से वो क्या करेगा, वहां पे कटिंग करेगा। द कटिंग स्पीड ऑफ मिलिंग कटर इज इट्स पेरिफेरल लीनियर स्पीड रिजल्टिंग फ्रॉम द रोटेशन इट एक्सप्रेस इन मीटर्स पर मिनट, ठीक है। आपका जो कटर है जो जिस डायरेक्शन में कटिंग करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कटिंग कटिंग स्पीड बोलेंगे। इसका फॉर्मूला होता है पाई डीएन बाय थाउजेंड, पाई डीएन बाय थाउजेंड, ठीक है, याद रखिएगा। पाई आपका पाई है, ठीक है, ये डी क्या है आपका डायमीटर ऑफ कटर है, डायमीटर ऑफ कटर। एन क्या है आपका आरपीएम, आरपीएम ऑफ कटर, ठीक है, और वी क्या है आपकी कटिंग स्पीड, जिसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं, मीटर्स पर मिनट में, किसमें मेजर करते हैं, मीटर्स पर मिनट में। ध्यान में रखिएगा इसमें आप लोग गड़बड़ी करते हो, एग्जाम में एमसीक्यू में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। स्पीड, स्पीड क्या होता है, द स्पीड इन मिलिंग मशीन इज डिफाइंड एट द रेट विथ विच द वर्क इज एडवांसेस अंडर द कटर, ठीक है। इट इज द थिकनेस ऑफ मटेरियल रिमूव्ड इन द वन पार्ट ऑफ वर्क अंडर द कटर, मतलब एक एक स्पीड सॉरी एक आप लोग क्या बोलेंगे, एक पास के अंदर में, मतलब एक ही पास के अंदर में आपका कटर कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल जो है उसके कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव कर सकता है, कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल जो है वो रिमूव कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड। क्या बोलेंगे, स्पीड, ठीक है। तो अब स्पीड तीन प्रकार के हो सकते हैं। स्पीड को हम लोग बोलते हैं स्पीड पर टूथ, मतलब एक टूथ जो है कितना स्पीड, कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल निकाल सकता है, एक टूथ आपका कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल निकाल सकता है। दूसरा स्पीड पर कटर रिवॉल्यूशन, मतलब कटर जो है पूरा एक बार घूम लिया तो वो कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल निकाल सकता है, उसको बोलेंगे स्पीड पर कटर रिवॉल्यूशन। तीसरा स्पीड पर मिनट, मतलब एक मिनट में वो कटर जो है कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूव करेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्पीड पर मिनट। आई होप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मशीनिंग टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर मशीनिंग ऑन द मिलिंग मशीन इज कैलकुलेटेड एज मशीनिंग टाइम, ठीक है। जितना टाइम लग रहा है उसको मशीनिंग करने के लिए, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे मशीनिंग टाइम। इसका एक फॉर्मूला होता है एल अपॉन एफ जेड एन, एल अपॉन एफ जेड एन। अब एल क्या होता है, लेंथ ऑफ मिलिंग स्लॉट इन मीटर, कितना लेंथ का उसको कटिंग करना है उसको हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ मिलिंग स्लॉट। टी जो है टाइम, ये जो टी है ये क्या है आपका टाइम, टाइम को हम लोग किसमें मेजर करेंगे बेटा, मिनट में। टाइम को हम लोग किसमें मेजर करेंगे, मिनट में। एफ क्या है, स्पीड, स्पीड क्या होता है मैंने आपको अभी समझाया, स्पीड पर टूथ इन एमएम, किसमें मेजर करते हैं हम इसको, एमएम में। जेड क्या होता है, नंबर ऑफ टीथ, मतलब आपके कटर के ऊपर कितने टीथ है, कितने टीथ है उसको हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ टीथ। एन जो रहेगा वो स्पीड ऑफ कटर, स्पीड ऑफ कटर इन आरपीएम, ठीक है। तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है इसके वाले, कौन सा, मशीनिंग टाइम, स्पीड और स्पीड, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इसके फॉर्मूले, इसका डेफिनेशन अच्छे से ध्यान में रखना है, किसको मिनट में रखना है, किसको एमएम में रखना है, किसको आरपीएम में रखना है, ये सभी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। यूनिट आउटकम क्या अच्छी हुई हमारे, हमने डिस्क्राइब कर पाए अपमिलिंग और डाउनमिलिंग प्रोसेस के बारे में, ठीक है। हम लोग ने कटिंग पैरामीटर्स भी देखे मिलिंग प्रोसेस के बारे में, और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम जो कि अच्छी हो सकते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, आपको बोलेगा डिफरेंस बिटवीन बताओ अपमिलिंग एंड डाउनमिलिंग प्रोसेस के बारे में, आपको बोलेगा कटिंग पैरामीटर के बारे में बताओ कि ये टूथ क्या होता है, फीड क्या होता है, ये सब आपको पूछ सकता है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम पढ़ेंगे इंडेक्सिंग के बारे में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।